पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जिसे हार के बाद फैन से ज्यादा पूर्व क्रिकेटर क्रिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान को भारत के हाथों हार मिली है। एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से हार गया है। 120 रन सिर्फ बनाने थे, पाकिस्तान अच्छी सिचुएशन में था, मजबूत था, लेकिन उसके बावजूद अंतिम ओवर आते आते पाकिस्तान वो मुकाबला हार गया। अब हुआ क्या, मैच के बाद तमाम पाकिस्तानी दिग्गज सामने आए और पाकिस्तान टीम को खूब लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम भी सामने आए, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई इस टीम को वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए फिलहाल डिजर्व नहीं करती है। वसीम अकरम ने कहा है, ये खिलाड़ी 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं इन्हें कुछ सिखा नहीं सकता हूं। रिजवान को खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसे पता होना चाहिए था कि बुमराह को विकेट लेने के लिए गेंद दी गई थी और समझदारी इसी में थी कि उनकी गेंदों को सावधानी से खेलें, लेकिन रिजवान ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और अपना विकेट गंवा दिया। इफ्तिकार अहमद लेग साइड पर एक शॉट जानते हैं, वो कई सालों से टीम का हिस्सा है लेकिन बल्लेबाजी करना नहीं जानते। वसीम अकरम ने फखर जमान पर भी अपनी राय रखी है, उन्होंने कहा है, मैं फखर जमान के खेल के बारे में नहीं बता सकता। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगता है कि अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कोच को बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कोच को रखने और पूरी टीम को बदलने का समय आ गया है। अकरम ने आगे कहा है, ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और आप अपने देश के लिए खेलते हैं, इन खिलाड़ियों को घर पर बैठा दो। और तो और, वसीम अकरम ने आगे यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद अपने दुश्मन है। वो लक्ष्य तक पहुंच सकते थे क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल नहीं थी। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास भारत को हराने के लिए पूरा समय था, लेकिन उन्होंने शॉट के लिए प्रयास किया जिसका रिजल्ट यह हुआ कि हमें हार मिली है। वसीम अकरम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े थे। सिद्धू ने कहा था कि भारतीय टीम अच्छा खेली है, वहीं वसीम अकरम उसके बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम पर ब्लास्ट हो गए। वसीम अकरम ने यहां तक कह दिया कि इन खिलाड़ियों को घर बैठा दो, पहला मुकाबला आप USA से हार गए, उसके बाद टीम इंडिया से हार गए, पाकिस्तान के लिए आगे की राह बड़ी मुश्किल हो गई है। दोनों मैच अगर वो जीतते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जीत पाते हैं तो फिर कुदरत का निजाम ही पाकिस्तान को आगे ले जा पाएगा।